हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज का वीडियो एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, सो वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक देखें। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्रायलॉन सुप्रा के 3 ऐसे शेड जो बहुत ज़्यादा मैन है। इन शेड का बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमें सुप्रा के ऐसे शेड बताए जो हर इंडियन स्किन पर बहुत ही अच्छे से सूट हो, ताकि हमें पूरी प्लेट परचेज करने की ज़रूरत ना पड़े। इंडिया में मोस्टली स्किन मीडियम होती है एंड आपको पता होगा कि इंडिया का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा वार्म होता है। अगर आपकी स्किन मीडियम है एंड आपका अंडरटोन वार्म है तो ये परफेक्ट शेड है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो गाइज, मेरे पास है क्रायलॉन सुप्रा के 3 शेड है, FS28, FS29 एंड FS45। ये तीनों शेड मीडियम स्किन पर जाते हैं, बट इन शेड का स्किन के कलर अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन 3 शेड के बारे में। इंडिया में मीडियम स्किन वालों का स्किन टोन येलो, फेयर एंड पीच होता है एंड मीडियम स्किन पर गोल्ड ज्वेलरी बहुत ही अच्छे से सूट होती है। अगर मीडियम में आपकी स्किन येलो दिखती है तो आप FS28 शेड यूज़ कर सकते हैं। अगर मीडियम में आपकी स्किन लाइट पिंक लगती है तो आप FS29 शेड का यूज़ कर सकते हैं। अगर मीडियम में आपकी स्किन फेयर लगती है तो आप FS45 शेड का यूज़ कर सकते हैं। ये शेड तीनों ही मीडियम टू फेयर स्किन के लिए हैं, जिन्हें आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग अलग अलग यूज कर सकते हैं। ये 3 ऐसे शेड है कि इनको परचेज करने के बाद पूरी प्लेट परचेज करने की जरूरत नहीं होती है एंड इन शेड को आप सिंगल भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही जगह अवेलेबल है। एंड गाइज, मैंने तो बता दिया कि ये तीनों शेड मीडियम स्किन पर जाते हैं, बट अंडरटोन भी जानना बहुत जरूरी है कि आपका अंडरटोन कौन सा है। अगर हम बिना अंडरटोन जाने कोई भी शेड फेस पर यूज करते हैं तो मेकअप का जो बेस होता है वो धीरे धीरे ग्रे होने लग जाता है या एक टाइम बाद स्किन से अलग दिखने लग जाता है। यही मेन प्रॉब्लम होती है कि हमारा मेकअप खराब हो जाता है और हम सोचते हैं कि हमारा मेकअप सही नहीं किया। अगर आप स्किन टोन एंड अंडरटोन जान जाते हैं तो बहुत ही अच्छे से क्रायलॉन सुप्रा का यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।